all are safe and hi, my name is Bhavna and welcome back to my YouTube channel. If you are new to my channel, please take a moment and subscribe to my channel before you watch my videos. So today's video is gonna be a Myntra haul and इस बार ना मैंने मिंत्रा से शॉर्ट कुर्तीज और जीन्स मंगाई थी विच आई रियली रियली लाइक बिकॉज आप ये शॉर्ट कुर्तीज़ ना अपने कॉलेज के लिए भी वेयर कर सकते हो या फिर ऑफिस वेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड यस ना विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले मैं शॉर्ट कुर्तीज दिखाती हूँ एंड लास्ट में मैं जीन्स वगैरह दिखाऊंगी जो मैंने मिंत्रा से ली थी. सो एट फर्स्ट आई गॉट दिस ए लाइन शॉर्ट कुर्ती टॉप फ्रॉम मिंत्रा एंड आई जस्ट लव द कलर. सो ये पर्पल कलर में है एंड इसमें ना ये क्वर्की से पैटर्न्स बन रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अलग है बिकॉज इस टाइप की कुर्तियाँ नॉर्मली नहीं देखने को मिलती है. और इसके जो स्लीव्स हैं वो 3/4 फ्लेयर्ड स्लीव्स है. सो अगेन थोड़े से डिफरेंट है ना, इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर कर दिया था बिकॉज आई जस्ट लव्ड एवरीथिंग अबाउट दिस. दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड संग्रिया एंड आपको इस ब्रांड में ना इतने प्यारे प्यारे कुर्ती और कॉट सेट्स वगैरह मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो. एंड फॉर द प्राइस, मैंने इसे जब लिया था उस टाइम पे इसका प्राइस 384 रुपीज़ था, बट अभी मैंने देखा तो इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ चुका है. अभी इसका प्राइस 568 ऐसा कुछ हो गया है. वैसे इसका एक्चुअल प्राइस 1300 रुपीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा है. तो अभी इसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है. आप लोग इसको जीन्स के साथ भी पेयर कर सकते हो या फिर वाइट जीन्स या फिर वाइट ट्राउज़र के साथ भी पेयर कर सकते हो बिकॉज वाइट कलर के साथ ये ज़्यादा खुल के आएगा. नाउ कमिंग टू द साइज, मैंने इसे साइज एक्सेस में ऑर्डर किया था एंड आई जस्ट लव द फिट बिकॉज ऑब्वियसली ये फिटेड वाला कुर्ती नहीं है. सो इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा सही है एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट आपको इसमें साइज एक्सेस से लेके 3XL तक साइजेस मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, राइट. अनदर वेरी लवली कुर्ती दैट आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा इज दिस मस्टर्ड येलो कलर्ड शॉर्ट कुर्ती और इसका कलर तो इतना प्यारा लग रहा है ना. सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड अनॉक एंड इसमें भी ना आपको इस ब्रांड में इतने प्यारे प्यारे कुर्तियाँ मिल जाएंगी. मतलब मैं ये ब्रांड को चेक ही करती रही थी बार बार बिकॉज मुझे इस पर इतनी चीज़ें पसंद आ रही थी. सो मैंने इसमें 2 कुर्तियाँ मंगाई थी एक्चुअली. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड इस कुर्ती में आपको वी नेक मिल जाता है एंड वैसे ये पूरा प्लेन कुर्ती है, बस इसके जो स्लीव्स है एंड इसके जो बॉटम है ना उस पर इतना प्यारा ये पैटर्न दिया गया है ना. एंड ये जो पैटर्न बनाया ना इसमें, इसके वजह से ये कुर्ती थोड़ी थोड़ी ट्रेडिशनल भी बन जाती है. सो ज़रूरी नहीं कि आप इसको बस कॉलेज या फिर ऑफिस के लिए वेयर कर सकते हो, आप इसको एक्चुअली कोई इंडियन ओकेजन भी होना जैसे दिवाली या फिर कहीं जाना है, कोई पूजा हो, उसमें भी आप इसको वेयर कर पाओगे. आप इस टॉप को ना किसी भी पैंट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो बहुत ईजीली एंड फ्लेयर्ड पैंट के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. अगर आप इसे कैजुअली वेयर करना चाहते हो ना, आप इसको कोई भी पैंट के साथ वेयर कर लो एंड उसके साथ आप एक कोई यू नो क्रॉस बॉडी बैग कैरी कर लो, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आएगा. सो टुडेज़ वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई द डर्मोको एंड यू नो आई डू हैव दिस पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स ऑन माई स्किन एंड ये चीज़ें मुझे कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है. सो आई हैव गॉट दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डर्मोको दैट एक्चुअली हेल्प्स योर स्किन इन गेटिंग यू नो इवन स्किन टोन. एट फर्स्ट आई यूज 2% कोजिक एसिड फेस सीरम. आफ्टर क्लेंजिंग योर फेस यू कैन टेक 3-4 ड्रॉप्स ऑफ द सीरम ऑन योर फेस एंड मसाज इट जेंटली अंटिल इट गेट्स एब्जॉर्ब ऑन योर फेस. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट मेलास्मा एंड इट डिक्रीजेज द अपीयरेंस ऑफ स्कार ऑन द फेस. लास्ट वी हैव द 1% हाइलोरोनिक एसिड सनस्क्रीन एक्वा जेल. इट हैज SPF 50. इट इज सुपर लाइट ऑन द स्किन एंड इज फ्रेग्रेंस फ्री विद विटामिन ई एंड हाइलोरोनिक एसिड. इट हेल्प्स फाइट सन डैमेज एंड ऑल्सो रिड्यूसेज फाइन लाइन wrinkles making your skin soft like butter. The Dermoco is also running their Young Scientist program. Every time you buy from them, they will link your order to a child that they help to educate along with Bhumi and they have pledged to help 10,000 plus students across the year. And you guys can use my coupon code to get 20% off at the official website. And now you can head on with the video. And at last I got this really beautiful short kurti top. Firstly na, I just love the color. This is a multicolored kurti and ye color kitna zyada acha lag raha hai na.
सो ये भी ना ब्रांड अनॉक का ही है. आई टोल्ड यू अनॉक ब्रांड में ना इतनी प्यारी प्यारी कुर्तियाँ है, बट ये वाला मेरा फेवरेट था बिकॉज इसका कलर एंड इसका प्रिंट सबसे ज़्यादा अलग था. इस कुर्ती में पूरे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बन रखे हैं और इसमें आपको ये 3/4 पफ स्लीव्स मिल जाता है. सो ये रेगुलर स्लीव्स नहीं है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था. एंड ऑल्सो आपको ना ये साइड पे ये टाई अप थिंग मिल जाएगा जिसको बस आपको ऐसे टाई करना है. मतलब वैसे इसका कोई ऐसा काम नहीं है, बस एक लुक के लिए इसे दिया गया है. एंड फॉर द साइज मैंने इसे साइज एक्सेस में ऑर्डर किया था, बट अभी ना ये अवेलेबल ही नहीं है. इसमें मैंने एक और ऑप्शन भी देखा था ब्लैक कलर में, एंड वो वाला ऑप्शन अभी अवेलेबल है. और फॉर द प्राइस मैंने इसे 684 रुपीज़ का ऑर्डर किया था. आई नो इट्स बिट एक्सपेंसिव, बट इसकी क्वालिटी एंड इसका प्रिंट वगैरह सब कुछ इतना अच्छा है कि वो प्राइस बहुत ज़्यादा सही बैठ रहा है. वैसे इसका एक्चुअल प्राइस 1500 रुपीज़ है. तो मैंने 3 शॉर्ट कुर्तीज मंगाई थी और 3 जीन्स मंगा रखी है. सो अब मैं जीन्स वगैरह दिखाती हूँ. सो द वेरी फर्स्ट जीन दैट आई गॉट इज this cargo sort of wide leg jeans from Myntra, and this is from a brand called River of Design. मतलब मैंने ये ब्रांड पहले कभी सुना नहीं था, बट मुझे इसके जो जीन्स वगैरह थे ना मिंत्रा में बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, एंड इसीलिए मैंने सोचा चलो ऑर्डर करके चेक करते हैं इनकी क्वालिटी वगैरह कैसी है. सो मेरे को ये वाला जीन्स बहुत ज़्यादा पसंद आया था बिकॉज ये थोड़ा सा कार्गो टाइप का लग रहा था ना, एंड आजकल कार्गो पैंट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. Now coming to the quality, I really didn't like the quality a lot because इसका जो material है वो बहुत light material है. मतलब एक होता है ना stretchable वाली jeans, उससे थोड़ा सा अच्छा है but बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. तो ये थोड़ा सा disappointment था मेरे लिए because it was for 919 rupees, जो कि बहुत ज़्यादा है, एंड उस प्राइस में मैं थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी. लेकिन इसका जो फिट है वो इतना परफेक्ट है ना. सो दिस इज़ अ हाई वेस्ट जीन्स, क्योंकि मैं हाई वेस्ट जीन्स ही वेयर करना प्रेफर करती हूँ, एंड इसका हाई वेस्ट इतना परफेक्ट लग रहा है ना, जैसे मैं H&M के हाई वेस्ट जीन्स वेयर करती हूँ ना वैसा ही इसका फिट है. तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी बिकॉज मिंत्रा में ऑलमोस्ट ऐसा बहुत कम होता है कि जो चीज़ में लिखा होता है ना हाई वेस्ट वो हाई वेस्ट हो, बट ये है हाई वेस्ट. इसमें सबसे छोटा साइज़ ना 28 था, तो मैंने साइज़ 28 में ही इसे ऑर्डर किया था. एंड 28 से लेके सबसे बड़ा साइज़ आई गेस 34 होगा इस वाले ब्रांड में. और ये वैसे वाइड लेग जीन्स है, बट इसका फिट थोड़ा सा स्ट्रेट फिट जीन्स जैसा है, एंड इसकी जो लेंथ है वो मुझ पर एकदम परफेक्टली आ रही है. मतलब ऑलमोस्ट लाइक थोड़ी सी लंबी आ रही है. देन अनदर जीन्स दैट आई गॉट फ्रॉम द सेम ब्रांड इज दिस वाइड लेग एम्ब्रॉयडर्ड और वट एवर प्रिंटेड जीन्स. सो आई एम नॉट गोना लाई, मेरे को ये पिक्चर में बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था. तो सामने से ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, एंड ऑल्सो इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एवरेज है बिकॉज इसका जो मटेरियल है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, एंड मुझे ये मटेरियल बिल्कुल भी पसंद नहीं है. बिकॉज फॉर द प्राइस इट वॉज फॉर 804 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा है. तो उसमें मुझे क्वालिटी लाइक मिलनी चाहिए थी, बिकॉज इससे भी सस्ते में ना आपको कॉटी के जीन्स मिल जाते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, एंड उसमें ना आपको प्राइसेस लाइक 600-700 के मिल जाते हैं. सो ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया. एंड मुझे ना पिक्चर पे ये जो पैटर्न था ये स्टार बना था बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था, बट सामने से इतना ज़्यादा भी कूल नहीं लग रहा, मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है. ये ना डार्क ब्लू शेड में है, एंड इससे पहले जो मैंने जींस दिखाई थी उसका शेड इससे थोड़ा लाइट था, बट ये ऑलमोस्ट सेम है. मैंने जब इसे ऑर्डर किया था मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सेम होने वाला है, बट अभी मैंने इसे देखा ना दोनों को साथ में दोनों सेम ही लग रहे थे. सो या एंड फॉर द साइज़ मैंने इसे साइज़ 28 में ऑर्डर किया था, एंड फिटिंग बहुत अच्छी है. जैसे पहले वाले की फिट हो रही थी वैसे ही ये भी एकदम अच्छा फिट हो रहा है, एंड ये हाई वेस्टेड ही है. इट इज़ ऑल्सो वाइड लेग जीन्स, बट इट इज़ नॉट एज वाइड एज इट शुड बी. सो या एंड द लास्ट जीन्स आई गॉट इज एक्चुअली फ्रॉम अर्बैनिक. सो दिस इज द ओम्ब्रे जीन्स दैट आई गॉट, बिकॉज आजकल ना ये डबल शेडेड जीन्स बहुत ज़्यादा चल रही है, एंड
मैंने ये सेम शेड में ना जीन्स H&M से मंगा रखी थी, वो तो मैंने रखी है, मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बट मेरे को ये मिंत्रा में ऑल ऑफ अ सडन देख गया एंड मैंने सोचा मैं इसको भी मंगा के देखती हूँ, अगर अफोर्डेबल ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा तो अच्छी बात है आप लोग के लिए भी। आई गॉट दिस जीन्स फॉर ₹808 जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता था एंड ऑल्सो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने अर्बेनिक से कभी भी कोई भी जीन्स नहीं ऑर्डर की थी, दिस वॉज माई फर्स्ट परचेज एंड आई डेफिनेटली लव्ड इट। पहले मुझे डाउट था कि एस मेरे पे थोड़ा लूज तो नहीं होगा, बट इट डज फिट्स मी परफेक्टली एंड मैं अभी इसका पैटर्न दिखाती हूँ आपको। ये रिप पैटर्न मिल जाएगा जो कि दोनों साइड में है एंड ये इतना ज्यादा रिप नहीं है, बहुत एवरेजली मतलब रिप्ड है, तो अच्छा लग रहा है। सो दिस वेयर ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू पीपल फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, इफ यू डिड प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।